दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने सिटीजनशिप एसेमेंट एक्ट लागू कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में एक डाउट होगा, जिनके मन में एक कंफ्यूजन होगी कि वो कैसे पता लगाए कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। क्या कोई ऐसा प्रमाण है या कोई ऐसा कोई भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप पता लगा पाए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए अगर आपके पास 9 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप भारत के नागरिक हैं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए अगर ये 9 डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप भारत के नागरिक होंगे, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके भारत की नागरिकता का प्रमाण है। तो क्या है ये डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ऐसी वीडियो को देखने के लिए आज ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर देगा, जिससे फ्रेंड जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी इसी तरीके की उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप भारत के नागरिक होंगे तो आपका नाम द नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप में होगा, मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड में होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ये 9 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं। अगर आपके पास ये 9 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप भारत के नागरिक होंगे। ऐसे में अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन से 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप प्रमाणित हो जाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके भारत के नागरिकता का प्रमाण है। चलिए हम लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है जमीन के दस्तावेज, जैसे बैनामा, भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज, ये पहला। दूसरा, राज्य के बाहर से जारी किया गया स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। तीसरा, भारत सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट। चौथा, किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र। पांचवा, सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्त को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज। छठा, बैंक बैंक डाकघर में खाता। सातवां, सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। आठवां, बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षक शिक्षण प्रमाण पत्र। नवा, न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज। अगर आपके पास ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप भारत के नागरिकता का आपके पास प्रमाण है। कौन भारत नागरिक है और कौन नहीं, ये हम लोग जान लेते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संविधान में भारतीय नागरिक को स्पष्ट तौर से परिभाषित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है और उसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक होगा। भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले यानी 1945 के पहले से रह रहा हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर आप 1945 से पहले इस भारत देश में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। तो दोस्तों, ये है डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपके पास भारत के नागरिकता का प्रमाण है। आप किसी को भी दिखा के ये सब कह सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक भले ही ना कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जिससे बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि वो भारत के नागरिकता का क्या प्रमाण है उनके पास, कि भारत के नागरिक है कि नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके भारत के नागरिकता का प्रमाण है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आज ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।